हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं कला एवं संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। इसके पहले हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा था कला एवं संस्कृत के चैप्टर से, और आज उसका MCQ हम लोग करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ ये MCQ आप लोग ज़रूर से देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में और भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो आपको पता चलेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने वन लाइनर GS के बारे में बात किया था, और आज हम लोग डिटेल से थोड़ा इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज हमारे सामने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, पहला प्रश्न है IAS प्री के 2009 के एग्जाम में आया हुआ है, और परंपरा दे रहा है और राज्य दे रहा है। आपको सही मिलान करना है, मिलान के आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। गतका एक पारंपरिक सामरिक कौशल यानी एक मार्शल आर्ट है, ये कहाँ का है। मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है, ये कहाँ का है। सिंध खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव, ये कहाँ का है। इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप जानते ही नहीं, जैसे गतका का नाम शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो बता दूँ, गतका एक तरह का मार्शल आर्ट है, और ये मार्शल आर्ट जो है पंजाब में होता है। ये कहाँ पे फॉलो किया जाता है, पंजाब में। याद रखिएगा, गतका कहाँ पे है, पंजाब में। इसका मतलब केरल में नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मधुबनी एक पेंटिंग का तरीका है, बहुत ही फेमस है, बिहार का है ये चित्रकारी कला, तो बहुत ही फेमस है, ये सभी तो आपके पता होगा। सिंधु खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव जम्मू कश्मीर, ये बिल्कुल सही है कि सिंधु नदी वहीं पे है जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है, ये त्यौहार या उत्सव जो है परंपरा, ये जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करेगा, और यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो गतका याद रखिएगा, पंजाब। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, मैंने बताया था अभी आपको कि बिहार से संबंधित है, बहुत फेमस पेंटिंग है ये, ठीक है। तरीका है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है, कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता। तो याद रखिए, कुल चार जगह पे होता है, नासिक हो गया, प्रयाग हो गया, हरिद्वार हो गया, इसके अलावा आपका नासिक प्रयाग हरिद्वार, और इसके अलावा उज्जैन, ये चार जगह है जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है, मतलब यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाराणसी, ठीक है। याद रखिएगा, हर एक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। करें, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। देखिए, यहाँ पर अगर बात करोगे महाकुंभ की, तो महाकुंभ सच में बताएं दोस्तों, तो 144 वर्ष बाद लगता है महाकुंभ। कितने वर्ष बाद, 144, लेकिन यहाँ पे उस तरह का ऑप्शन नहीं दे रहा है। इसके पूछने का सेंस है, मेन वाला जो कुंभ है, अर्धकुंभ जो है वो 6 वर्ष पे लगता है, और मेन वाला कुंभ जो है पूर्ण कुंभ, ये लगता है 12 वर्ष के अंतराल पर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो 12 वर्ष होगा। अगर 144 वर्ष का ऑप्शन होता तो वो बिल्कुल सही हो जाता। किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो मैंने आपको पीछे बताया था, प्रयाग, प्रयाग माने इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये चार जगह हैं जहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। नासिक में गोदावरी नदी है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी है, और प्रयाग और हरिद्वार इन दोनों जगह पर गंगा है, जबकि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। कुछ त्यौहार का नाम दे रहा है और कुछ राज्यों के नाम दे रहा है, ये आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे याद भी करानी पड़ेंगी। जैसे देखो, बिहू को हम लोग पढ़ेंगे बहू, बिहू को हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहू, और बहू कैसी है, औसम है, औसम माने बहुत ही सुंदर है, ठीक है। तो औसम, तो याद रहेगा बिहू औसम, ठीक है, औसम माने असम। तो याद रखिए, बिहू जो त्यौहार है ये असम से संबंधित है। इसके अलावा ओणम, ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं, केरल से संबंधित है। पोंगल तमिलनाडु से, और बैसाखी आपके पंजाब से। तो यहाँ पे सब ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये लाइन से सीरियल सही हो जाएगा। ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है। ओणम जो दोस्तों, ये केरल का त्यौहार है, ध्यान दीजिएगा, केरल का त्यौहार है ओणम। और स्पेशली बता दूँ, ये ओणम केरल में क्यों मनाया जाता है। प्रहलाद का नाम आप लोगों ने सुना है, प्रहलाद, वही हिरण्यकश्यप वाले प्रहलाद, उनके पौत्र थे, उनका नाम था महाबली, उनके घर लौटने के उद्देश्य में त्यौहार मनाया जाता है ओणम त्यौहार केरल में। बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो बहू कैसी है, औसम, ठीक है, तो राइट हो जाएगा ये वाला। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। पोंगल मैंने पीछे आपको बताया था, तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल, ठीक है, तमिलनाडु का पोंगल। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंध है, किससे संबंध है, तो महाबली से संबंध है। मैंने बताया ना कि प्रहलाद के पौत्र थे महाबली, उनसे संबंधित है ये त्यौहार। अतापू निम्नांकित त्यौहारों में से किससे संबंधित है। अतापू, तो अतापू देखो, पहली बात तो जान लो अतापू है क्या। अतापू एक तरह की कला है, एक तरह की रंगोली, जो ज़मीनें बनाई जाती हैं रंगोली, उस रंगोली को बनाने की एक कला है अतापू, ठीक है। और ये स्पेशली ओणम
वाला जो फेस्टिवल होता है उसके दौरान घरों में जो है बनाई जाती है अतापू, ठीक है, याद रखिएगा। तो अतापू किससे संबंधित है? ओणम से। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है यह किससे संबंधित है? तमाशा, तो तमाशा यह महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र में ये आज भी फेमस है संगीत के मामले में तमाशा। और याद रखिएगा इसमें स्थानीय और घुमंतू रंगमंच समूहों के द्वारा ये नृत्य और गायन का प्रदर्शन किया जाता है। उस देवस्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता अन्य तीन से भिन्न है। अच्छा, अमरनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, विश्वनाथ। सिंपल सा है दोस्तों, देखिए अमरनाथ में भी क्या है, शिवलिंग है, केदारनाथ में भी शिवलिंग है, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ शिवलिंग है, जगन्नाथ में जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा है, इसलिए यह क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। और यह एक धाम भी है जगन्नाथ पुरी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। देखिए जोशी मठ, जोशी मठ जो था ये उत्तर की तरफ में जोशी मठ बनाया गया था, और द्वारिका जो था ये पश्चिम की तरफ में द्वारिकाधीश जहाँ पर है वहाँ पे बेट द्वारिका के पास ये द्वारिकापुरी मठ था। पुरी है जो ये यहाँ पे जगन्नाथपुरी है, और संगेरी जो यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों कांचीपुरम का नाम आपने सुना है, कांचीपुरम का, कांचीपुरम में एक पांचवा मठ था जो इन चारों मठों के क्षेत्राधिकार को डील करता था, इन चारों के ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन करता था, कांचीपुरम का पांचवा मठ। तो आपको चार ही मठ पता होगा, आज से आप पांचवा मठ भी जान लें कौन सा माना जाता है पांचवा। उसकी स्थापना भी आदिगुरु शंकराचार्य ने ही किया था कांचीपुरम में, पांचवें मठ की स्थापना, जिसका काम क्या था, इन चारों मठों पर क्षेत्राधिकार यानी कंट्रोल करना। भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो आपको बताना है कि ये श्रीशैलम जो है कहाँ पर है ये ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुरनूल के निकट है, आंध्र प्रदेश के कुरनूल के निकट, कुरनूल एक जिला है आंध्र प्रदेश का, उसी के निकट है। और श्रीशैलम ये नाम क्यों पड़ा, श्रीशैलम की यात्रा, श्रीशैलम पहाड़ी का नाम है, श्रीशैलम एक पहाड़ी का नाम है, उसी पहाड़ी पर ये भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है। और इस ज्योतिर्लिंग को नाम से किस नाम से जानते हैं, मल्लिकार्जुन, किस नाम से जानते हैं, मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है। जैसे काशी विश्वनाथ है, ठीक है, महाकालेश्वर है, उसी तरह से मल्लिकार्जुन के नामों से जाना जाता है। कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है, 12। तो ये कुरनूल वाला याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है, ताबो मठ ये बौद्धों का एक फेमस स्थल है, और ये है हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में, याद रहेगा आपको ताबो मठ कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल में कहाँ, तो याद रखिए स्पीति घाटी जो है, उस स्पीति घाटी में ये मठ बनाया गया। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, लोसांग एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, कहाँ पर, तो सिक्किम में मनाया जाता है, और सिक्किम में सबसे ज़्यादा जनजाति रहती है, जाति रहती है, उसका नाम भोटिया, भोटिया जैसे हमारे यहाँ थारू है ना, ठीक है ना, उसी तरह से भोटिया। तो याद रखिएगा भोटिया समुदाय के द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है, और स्पेशली ये उत्सव फसलों की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है, हैं, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ के लोगों में जो कृषक होते हैं उनके लिए एक नए वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। तो सिक्किम में यह त्यौहार मनाया जाता है, लोसांग। चप चारकुट त्यौहार मनाया जाता है, चप चारकुट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये मिजोरम का त्यौहार है चप चारकुट, ठीक है, और मार्च के महीने में मनाया जाता है चप चारकुट। इत्जिमा त्यौहार मनाया जाता है, याद रखिए मुस्लिमों का त्यौहार है इत्जिमा, और ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, बहुत सारे जितने भी मुस्लिम स्टेट हैं लगभग सभी जगहों पर त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन ये एक स्पेशली स्टेट दे दिया मध्य प्रदेश को और अलग अलग जगहों का नाम दे रहा है। तो भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ पर इत्जिमा का त्यौहार मनाया जाता है। महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे, देखिए इस प्रश्न को मैक्सिमम लोग गलत करने वाले हैं। महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे, आपके सामने ऑप्शन है विचित्रवीर, ऑप्शन दो शांतनु, ऑप्शन सी चित्रांगद, ऑप्शन डी देवदत्त। तो सही ऑप्शन क्या पसंद करना चाहेंगे, पितामह कौन थे, भीष्म पितामह, गलत उत्तर है, अर्जुन के पितामह विचित्रवीर थे, अर्जुन के पितामह विचित्रवीर थे। क्यों, विचित्रवीर के दो पुत्र थे, एक धृतराष्ट्र, दूसरे पांडु, और पांडु से जन्म कितना किसका हुआ था, पांडवों का, और धृतराष्ट्र से पूरे के पूरे कौरवों का। तो इनके दादाजी कौन हुए, पांडु पिताजी, और उनके पिताजी यानी विचित्रवीर, ठीक है, तो इस गलती को मत करिएगा, पितामह देख के जल्दीबाजी में टिक क्या कर देते हैं, देवदत्त। काबा क्या है, काबा मुस्लिमों की एक पवित्र स्थली मानी जाती है, और जितने भी दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं सभी लोग काबा की तरफ ही अपना मुख करके क्या करते हैं, नमाज अदा करते हैं, ठीक है।
काबा का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिए इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल, इन दोनों लोगों ने मिलकर के काबा का निर्माण कराया था। ठीक है, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो याद रखिए चर्च जो है वो ईसाइयों का है, मस्जिद जो है ये मुसलमानों का है, और यहूदियों का पूजा स्थल बोलते हैं सिनेगॉग। क्या बोलते हैं? सिनेगॉग। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालयी पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ठीक है, तो याद रखिए ये फ्रांस में हुई थी। संस्कृत का प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रांस में, और बहुत ही पहले बनाया गया था, 1814 में हुआ था इसकी स्थापना। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र के बारे में सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है किस किताब में? इसका संदर्भ मिलता है, याद रखिए जवामिल हिकायत में इसका सबसे पहले वर्णन मिलता है, जवामिल हिकायत। फिर से हमको देखिए सूची वन को दो से सुमेलित करना है, कुछ फेमस मंदिर है और राज्य से बताने हैं। कंदरिया महादेव, ये सबसे फेमस मंदिर है मध्य प्रदेश का, ये तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और भीमेश्वर मंदिर और राजा रानी मंदिर, विद्याशंकर मंदिर, ये भी आपको यहाँ पे सही बताना है। तो भीमेश्वर जो है ये आंध्र प्रदेश में है, भीमेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसके बारे में कहानी आप लोग पढ़िएगा यूट्यूब पे जा करके या फिर विकिपीडिया पे जा करके, बहुत अच्छी कहानी मिलेगी भीमेश्वर महादेव मंदिर की आंध्र प्रदेश। बाकी राजा रानी जो मंदिर है ये आपका उड़ीसा में है, राजा रानी उड़ीसा। ठीक है, और विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ताबो मठ, अभी हमने पीछे पढ़ा था ताबो मठ। ताबो मठ कहाँ पे था? स्पीति घाटी, हिमाचल, याद आया ना? तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। और बचा लोहत्सव लखांग मंदिर नको, ये कहाँ पर है? अलची मंदिर संकुल। तो याद रखिए अलची मंदिर जो संकुल है ये सबसे ऊंचाई पर है और लद्दाख में ही है, ये बिल्कुल सही है। और बचा लोहत्सव लखांग मंदिर, ये जास्कर घाटी जो दे रहा है ये यहाँ पे नहीं दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में है। ठीक है, नको, नको जो जगह है ये आपका हिमाचल में ही है, तो ऑप्शन दो गलत हो जाएगा और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा एक और तीन। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये कहाँ पर है? चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर कांचीपुरम, कांची, कांची में माना जाता है। और चित्रगुप्त थे कौन? ये कायस्थों के देवता थे या यमराज के सहायक थे, यमराज के सहायक, पूरा लेखा जोखा तैयार करना चित्रगुप्त का काम ही था। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु के कांचीपुरम में। नेक्स्ट है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। ये मैंने आपको पिछले वाले पीडीएफ में भी पढ़ाया था, तंजावुर में, तंजावुर में यह त्यौहार मनाया जाता है, तमिलनाडु के तंजावुर में। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है उसकी विशेषता क्या है? तो एक बात बताइए, सूफिया कलाम, अब यार ये मुसलमानों से संबंधित है, मतलब मुस्लिम गायन पद्धति से, तो जाहिर बात है कश्मीर की शैली होगी वहाँ का, तो ये अपने आप से आप आंसर सही कर सकते हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है, और सच में देखा जाए तो मुक्ति जो है वो कर्म से ही संभव है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति मुख्यतः होती है, जागर पद्धति ये पद्धति है पूजा पाठ करने की, ये कहाँ पे होती है? याद रखिए उत्तराखंड में होती है, उत्तराखंड में। जागर स्पेशली भूत प्रेत भगाने के लिए एक झाड़ फूक जैसा पूजा पाठ है जागर। ठीक है, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो पुरी, जगन्नाथपुरी, वहाँ पर जो है आपके कृष्ण बलराम और सुभद्रा तीनों लोगों का एक रथ यात्रा निकलती है, बहुत ही फेमस होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, जगन्नाथपुरी। मेंस में जो है प्रश्न लिखने के लिए उत्तर भी लिखने के लिए आते हैं। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मधुमिता राउत उड़ीसी नृत्यांगना, बिल्कुल सही है, बहुत फेमस उड़ीसा की एक नृत्यांगना है, कौन? मधुमिता राउत, ये बिल्कुल सही है। इंदिरा चक्रवर्ती पोषाहार वैज्ञानिक, इंदिरा चक्रवर्ती पोषाहार वैज्ञानिक, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इंदिरा चक्रवर्ती जो है एक वैज्ञानिक नहीं है, वो पेशे से एक चिकित्सक हैं, पेशे से एक फेमस क्या है? चिकित्सक हैं, तो यही हो जाएगा आपसे सही। बाकी मीरा भाटिया एक प्रसिद्ध विद्वेत्ता हैं और साध्वी साधना एक गृहिणी चिकित्सक हैं। ठीक है, याद रखिएगा इंदिरा चक्रवर्ती जो हैं ये पेशे से एक डॉक्टर हैं। सूची एक को दो से सुमेलित कीजिए और सही बताइए। भजन सुपारी, बिरजू महाराज, प्रियदर्शनी गोविंद, टी वी गोपाल कृष्ण, तो इसमें से बिरजू महाराज जी को तो सब लोग जानते हैं, ये कथक नृतक के रूप में फेमस हैं बिरजू महाराज, ये तो आपका यहाँ हो गया। बाकी बचा भजन सुपारी, तो भजन सुपारी दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध संतूर के कलाकार हैं, संतूर बजाते हैं, संतूर वादक हैं। ठीक है, संतूर वादक हैं।
कहाँ के बिलोंग करते थे, तो याद रखिए कश्मीर के सूफियाना घराना से बिलोंग करते थे, ठीक है। भजन सुपारी, पंडित भजन सुपारी पूरा नाम इनका, और पंडित बिरजू महाराज के बारे में मैंने बता दिया। प्रियदर्शनी गोविंद, इनको कौन नहीं जानता, बहुत ही फेमस भरतनाट्यम की नृत्यांगना है ये, बहुत फेमस, और कई सारे इनको जो है पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जैसे कैल ममानी, ये सबसे फेमस पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है तमिलनाडु का, वो इनको दिया जा चुका है। और बाकी टी वी कृष्ण मृदंगम, ये मृदंग के, मृदंग ये भी एक यंत्र है, ठीक है, ये उसके कलाकार हैं, तो इसको देख लीजिएगा। अल्लाह रखा तबला, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था अल्लाह रखा तबला, अल्लाह रखा किस चीज़ से संबंधित है, तो ये तबला से संबंधित है, तो अल्लाह रखा तबला, ये एक साथ इसको याद रखेगा। और इसके अलावा ये उस्ताद जाकिर हुसैन के पिताजी भी हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेल सही नहीं है वो बताना आपको, देबू चौधरी सितार, बिल्कुल सही है, देबू चौधरी क्या बजाते हैं, सितार। अमजद अली खां सरोद, बिल्कुल सही है। पन्ना लाल घोष, ये तबला नहीं बजाते थे कि लाल, लाल किसको बोला जाता था, भगवान कृष्ण को, कहीं भी लाल अगर लिखा हुआ मिल जाए ना तो आप ऑटोमेटिक उत्तर मार देना बांसुरी, ये बांसुरी वादक थे, फेमस बांसुरी वादक थे, कहीं भी लाल उत्तर मिले तो, ज़्यादातर में है ऐसा, मैं आपको बताऊंगा ट्रिक याद करने का। और यहूदी मेनुहिन, ये जो वायलिन वादक है, तो आप सुन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है ये बताना है, तो याद रखिए सरला दास बंगाली, ये बिल्कुल सही है। काशीराम उड़िया, नहीं नहीं ये भी नहीं सही, नहीं सरला दास बंगाली नहीं, ये हो ही नहीं सकता, एक मिनट देखिए, इसमें पूछ रहा है ना कि महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, सही, तो याद रखिए पंपा ये जो एक राइटर थे और इन्होंने एक रचना किया हुआ था जिसका नाम था विक्रमार्जुन विजय, ये महाभारत का रूपांतर था, कन्नड़ रूपांतर था, तो ये होगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन पंपा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था, तो याद रखिए आमिर खुसरो सबसे पहले जो है उर्दू का प्रयोग करने वाले लेखक थे, और कव्वाली का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, कव्वाली का जनकदाता, जन्मदाता। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिताकार कौन थे, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह, राजा सवाई प्रताप सिंह ने रचना किया था राधा गोविंद संगीत सार। सदियों से भारत में जीवित रही प्रमुख परंपरा ध्रुपद गायन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना आपको, ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूतों के राज में हुई, ना 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 ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। इसका आविष्कार का श्रेय ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर को कहा जाता है, ठीक है, मुगल काल नहीं, मुगल, इसकी ध्रुपद की उत्पत्ति मुगल काल से पूर्व लोदी काल में ही हो चुकी थी, ठीक है, और ये पहला ऑप्शन जो बिल्कुल गलत है, लोदी काल में, याद रखिए ध्रुपद गायन शैली का स्टार्टिंग कब से हो गया था, लोदी काल के समय में ही हो चुका था, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी देखते हैं, ध्रुपद प्रमुखता भक्ति और आध्यात्म का संगीत है, बिल्कुल, ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है, ये भी बिल्कुल सही है, तो हो जाएगा आपका 2 और 3 सही है, ठीक है। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है, तो याद रखिए एक ध्रुपद गायक है, प्रसिद्ध ध्रुपद गायक है, और इनको जो है गुंडेचा बंधु के नाम से भी जाना जाता है, गुंडेचा बंधु इनका टाइटल है, रमाकांत उमाकांत इनका नाम था, गुंडेचा बंधु के नाम से इनको जाना जाता था, और डागरवानी ध्रुपद गायक हैं ये लोग, डागरवानी ध्रुपद गायक, कहाँ से बिलोंग करते थे लोग, तो उज्जैन से, उज्जैन से बिलोंग करते थे, उज्जैन, ठीक है। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है, तो याद रखिए कृष्णानंद व्यास, इसके रचयिता कौन है, कृष्णानंद व्यास, ठीक है। चलिए, वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, सुबह के समय, भोर के समय वह राग जो गाया जाता है, उस राग को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं तोड़ी, मियाँ की तोड़ी, क्या बोलते हैं पूरा इसको, क्या बोलते हैं, मियाँ की तोड़ी, तो शॉर्टकट में तोड़ी लिखा हुआ वहाँ पे, मियाँ की तोड़ी, याद रखिए सुबह में गाया जाता है, जबकि राग दरबारी जो है, ये जो दरबारी वाला है, ये रात रात के समय गाया जाता है, रात्रि के समय, राग दरबारी कब, रात्रि के समय। राग भोपाली, राग भोपाली जो ये संध्या काल में गाया जाता है, सायंकाल के समय राग भोपाली। और भीम प्लासी, ये जो दोपहर के अंतिम काल में, दोपहर में बोल सकते हैं इसको, ये भीम प्लासी दोपहर में, तो याद रखिए भोर में मियाँ की तोड़ी, और उसके बाद दोपहर में भीम पासी प्लासी, उसके बाद शाम के समय भोपाली, और रात के समय दरबारी, और दरबारी के बाद काम खत्म। नेक्स्ट देखते हैं,
चाक्यार कूथु नृत्य के विषय में कौन से कथन सही है इस पर विचार कीजिए और यहाँ पे हमको सही गलत बताना है। यह चाक्यार जाति द्वारा किया जाता है, यार जाहिर सी बात है चाक्यार कूथु नृत्य है तो किसके द्वारा किया जाएगा, चाक्यार जाति, यानी ऑप्शन एक जहाँ होगा वो बिल्कुल सही होगा, यानी सी वाला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो जाएगा हमारा। फिर बोल रहा है कि परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कि उच्च जातियों में नहीं देखा जाता है। इसका विवरण जो है हमारे हिंदू महाकाव्य के महाकाव्यों में, पुराणों में और कथावाचन के समय किया जाता था, तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी मियाऊ संगीत वाद्य है, बिल्कुल सही है, एक संगीत वाद्य के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है मियाऊ का, और इसका नाट्य रूप कुथाम्बलम है, ये भी सही है। तो ये आप यहाँ आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1, 3, 4। देखिए ये आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न है, और जब मैं आर्ट एंड कल्चर को डिटेल में बताऊंगा ना तो वहाँ पे आपको एक एक यंत्रों के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि जानना जरूरी है ना। कि जैसे सितार है, कई सारे लोगों को तो ये नहीं पता है कि यार सितार, सरोद और बीड़ा इन तीनों में अंतर, तंबूरा, इन चारों में अंतर क्या है, वायलिन इसमें अंतर क्या है, सब एक जैसे दिखते हैं, थोड़े थोड़े अंतर होते हैं, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो चीज़ें आपको समझाऊंगा, ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, तो याद रखिए भीमसेन जोशी जी संगीत से संबंधित हैं, और कैसी संगीत, तो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। अगर पूछ दें इनको कि किससे संबंधित है, शास्त्रीय संगीत, 2008 में इनको जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनसे संबंधित एक और प्रश्न पूछता है, दो प्रश्न पूछता है कि किस घराने से संबंधित हैं, तो याद रखो किराना घराना, किराना कौन सा, किराना घराना, ठीक है। और एक चीज़ और पूछता है कि किस गायन के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे हमने जान तो गए संगीत से संबंधित है शास्त्रीय संगीत, लेकिन किस गायन से, याद रखिए ख्याल गायकी से संबंधित है, ख्याल गायकी, ठीक है। ये 2-3 प्रश्न इनसे संबंधित याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, ये तो बचपन से इतने बार पढ़ चुके हैं कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को एकदम रट गया होगा। देवकीनंदन खत्री है, देवकीनंदन खत्री जो है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, ठीक है। इसके बाद है एक को दो से सुमेलित कीजिए, नर्तक नर्तकी नृत्य दे दिया, और आपको चूज करना है कि कौन कौन से नर्तक है नर्तकी कौन कौन से नृत्य करते हैं। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है कला मंडलम छेमवती, याद रखिए ये मोहिनीअट्टम की सबसे फेमस नृत्यांगना है, छेमवती जी, किसमें, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, कोट्टक्कल शिवरामन, ये कथकली के लिए, कथकली के लिए। लक्ष्मी विश्वनाथन, लक्ष्मी भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ होता है, तमिलनाडु में, और एन माधवी देवी, ये मणिपुरी, मणिपुर में, ठीक है। तो कथकली आपका हो गया केरल, और मोहिनीअट्टम और तमिल, मोहिनीअट्टम भी आपका केरल है, और भरतनाट्यम आपका कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु, मणिपुरी, तो मणिपुर में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन चूज करेंगे वो हो जाएगा बी, ठीक है। और देखते हैं भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनी, अब तो हमको सेट करने के लिए दे दिया, इतना तो हमको आता है ये बार, भरतनाट्यम यहाँ पे हो जाएगा, कथक जो उत्तर प्रदेश है, कथक कली केरल था, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, तो इसको आप सेट कर लीजिएगा और देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये बी। उड़ीसी, उड़ीसी तो नाम से ही लग रहा है कि यार उड़ीसा का है, इसमें तो कुछ है नहीं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही प्रश्न था, और आगे इसी तरह से कुल 3 पार्ट हैं आर्ट एंड कल्चर के, ठीक है, क्वेश्चन आंसर सीरीज में कुल 3 पार्ट हैं। एक बार अगर आपने सभी प्रश्नों पर एक निगाह डाल लिया ना तो एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और जाहिर सी बात है आज का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपको बहुत सारी नई चीज़ों का पता चला होगा, और इसी तरह से आपके सामने मैं नए नए वीडियो लेके आता रहूँगा। बस आप आराम से घर बैठे तैयारी करते रहिए, और अगर आपके वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारे सभी भाई बहन इसको देख पाएँ। तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि वीडियो को शेयर जरूर से कीजिए, और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट में आप ना मैसेज छोड़ सकते हैं, और वीडियो पे अगर ऐड आता है तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखा करिए। मैं बार बार आपसे एक ही विनती करता हूँ कि प्लीज़ खाली आप ऐड देखिए, और किसी भी तरह की कोई और सहायता हमें आपसे नहीं चाहिए, ठीक है, तो बस आप ऐड देखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।